स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. Right. So square root of numbers which are not perfect square, right? उस नंबर का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम डिविजन मेथड हम लोग जा रहे हैं इसमें समझने, और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ फिर आपको दूंगा. देखिए एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करके मैं बताऊंगा. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अप टू थ्री डेसिमल. आपको तीन का स्क्वायर रूट निकालना है ना, थ्री डेसिमल प्लेसेस तक, राइट? तो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक चीज हमेशा याद में रखना कि जब भी थ्री डेसिमल प्लेसेस होगा तो आप उसका डबल ये करना. तो थ्री डेसिमल प्लेसेस है मतलब यहां पे हमने थ्री डाल दिया और डेसिमल के बाद में कम से कम छह जीरो डालिएगा ताकि पेयर करने पे तीन आए, है ना? थ्री पेयर्स है, थ्री पेयर्स आएगा तब तो थ्री डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा. यस सर नो? हाँ जी रिपीट करोगे? हाँ. और क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए सर. तो सर को मुझे क्या सिखाया, मतलब मुझे याद है ऐसा कुछ किया था मैंने तो फोर डेसिमल प्लेसेस तक किया था और फिर उसको राउंड ऑफ किया. तो फिर सर तो स्क्वायर रूट के लिए नहीं किया था लेकिन डिवीजन में तो उन्होंने पूछा था अप टू टू डेसिमल प्लेसेस तो मैंने थ्री डेसिमल प्लेसेस किया और फिर राउंड ऑफ किया था. अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन क्या है आपका सर? एक टाइप का तो यहाँ भी ऐसा ही करें. अच्छा अच्छे. हाँ यहाँ पे हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे. यहाँ पे देखो क्या है कि थ्री डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है. एक चीज ध्यान में रखना है कि थ्री डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग क्या है कि आपको ये डेसिमल के बाद में थ्री डिजिट्स, राइट? तो डेसिमल के बाद में थ्री डिजिट्स कब कब आएगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन देख रहे हैं. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम पहले पेयरिंग करते हैं और जब आप पेयरिंग करोगे तो थ्री डेसिमल प्लेसेस के लिए कम से कम छह जीरो आएगा ना, तब तो पेयर करोगे तो थ्री पेयर्स होगा और तब तो थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आएगा. तो बेसिकली ये लॉजिक रहता है इसके बाद. हाँ सर मैंने स्क्वायर रूट के लिए पर डिवीजन में किया. ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि छह जीरो दे देता हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छ, राइट? इसके बाद हम पेयरिंग करते हैं ऐसे 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 ऐसे, राइट? एंड फिर इसके बाद हम नॉर्मल डिवीजन मेथड लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, वन वन जा वन, ध्यान से देखना, वन वन जा वन, थ्री माइनस वन कितना हुआ, टू, डबल जीरो डाल दिया यहाँ पे. अब ये जो है तरीका ये होता है कि ये वन और वन को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे वन वन टू हो गया. कितने टाइम्स में जाएगा? तो आई थिंक टेंजा नहीं जाएगा ना, टेंजा बहुत ज्यादा हो गया. आई थिंक सिक्स और सेवन, सेवन टाइम्स में जाएगा, देख लेते हैं. ट्वेंटी सेवन सेवन जा, या राइट एट जा तो ज्यादा हो जाएगा. लेकिन टू टू को अगर हम लोग हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दे तो टू हंड्रेड आ रहा है ना. हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करना है ना,
वो रूल नहीं होता है ना, आपने डिवीजन यहाँ पे हम डिजिट एक रखते हैं और जो यहाँ पे रखेंगे, अब यहाँ पे देखो 3 1 हो गया, अब ये 00 तो यहाँ पे डेसिमल डाल। सर हाँ सर, तो जितना डेसिमल प्लेस है उसका टाइम्स 2 0 उतने 0 लेने। यस यस यस। तो अब हमने 7 10 देखो यहाँ पे असमी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हम 7 से क्योंकि आगे है ना, तो 7 7 इसके क्लोजेस्ट करते हैं, 7 7 नीचे भी रखना। अब 100 रखने का मतलब क्या है, तुम ऐसे तुमको करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अभी तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 2 1 इतना ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम कोशिश करते हैं एक ही डिजिट, मतलब ये जो ऊपर रखने वही नीचे रखें। 7 डाला तो यहाँ भी 7 डालेंगे। अब देखो 7 7 हो गया, कितना हो जाएगा सेवन और 189 यहाँ पे माइनस करते हैं हम, देखना यहाँ से, और ये 11 हो गया, फिर से ये 2 0 डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करते हैं 20, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम नीचे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो 7 7 कितना हुआ, 14 34 आ गया। 30. अब यहाँ पे फिर कितने टाइम्स में, 3 3 9 तो 3 times में जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 3 फिर यहाँ 3, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 4 3 12 3 3 9 एंड 110 तो 17 ठीक है। फिर ये लास्ट में 2 0 और बैठाएंगे और इसको फिर ऐड कर लेंगे तो 3 4 6 आ गया ठीक है। अब देखो हमको 3 decimal places तक चाहिए, अब इसके क्लोजेस्ट देखो क्या है, 3 4 6 3 2 6 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 मुझे लग रहा है 2 रखेंगे तो काम हो जाएगा, 2 2 4 6 2 12 4 2 8 एंड 1 9 3 2 6 आई थिंक इट विल वर्क। हमको 2 हमको क्या 3 digits तक ही चाहिए, 3 decimal places तक, तो आ गया डेसिमल के बाद में 3 तो ये मल्टीप्लाई कर लो 2 2 4 3 2 6 176 आ गया। हमको 3 decimal places तक ही चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है 1.732, इसको याद भी रखना चाहिए क्योंकि बहुत बार यूज होता है ताकि टाइम बचे हायर क्लासेस में। सो रूट 3 की वैल्यू 1.732 आ गया 3 decimal places। समझ में आया क्या, ये बताओ। हाँ सर समझ गए, ठीक है इसको लिख लीजिए आप लोग, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है इसको लिख ले, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। लिखिए सर आपकी खांसी चली गई। फाइन, हाँ काफी हद तक कंट्रोल है डियर, क्या क्या किया, कितना बहुत कुछ किया उसके लिए, फिर भी है अभी भी, बट काफी हद तक कंट्रोल है। देखिए फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल नंबर 2 by 15। अब इसको पहले डेसिमल में कर लेना फिर सॉल्व करना ठीक है, अप टू 3 decimal places। फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल नंबर 2 by 15 अप टू 3 decimal places। बताइए सर क्या लिखा है, 5 find a square root of 5 whole number 2 by 15 up to 3 decimal places. Okay, the question was find a square root of 5 whole number 2 by 15 up to 3 decimal places. So it's very simple, what you have to do first. 5.133333. Tanish, correct. No, no. 5, right, right. 5.133333 बाकी छोटे बच्चों की तरह जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लो तो ये आ गया।
टू आ गया, ऐसे डिवाइड करते हो ना आपको। सर सर ये क्या कर रहा है मुझे समझना। हाँ बेस, इसको डेसिमल प्लेसेस पे मैं कर रहा हूँ, आप चाहिए तो 2/15 को ही कर लो। सर आप अभी भी, मुझे लगा आपने वो डिवीजन शुरू किया कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना शुरू कर। अभी अभी स्क्वायर रूट अभी मैंने फाइंड नहीं किया है, ठीक है, अभी इसको डेसिमल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 0 फिर 15 त्रिजा 45, तो अब अनुमान लग जाता है ना, अनुमान लग जाएगा कि अब रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 3 3 है ना, 5 0 एंड सो ऑन। एक हद तक मुझे पता चल, 5 3 लिखने हमें, तो 5.133 या मुझे 633 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। ध्यान में रखेंगे कि डेसिमल के बाद में 6 डिजिट आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, और पेयरिंग कर दो, पेयरिंग करने के बाद कैसा आएगा, चलो यहाँ पर रख लेता हूँ 5 1 3 3 3 3 3 है ना, पेयरिंग कर दो ये राइट, और ये कितना आ जाएगा 2 2 4 1, यहाँ पे 1 दे दो, 1 3 दे दिया, ये कितना 2 2 4 है ना, 2 जा 3 जा तो 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 जा है ना, तो 2 जा 2 जा 2 जा 8 9 2, ठीक है, फिर 3 3 है ना, इसको जोड़ लो 4 और 4 कितने टाइम्स में जाएगा सर जी, देखते हैं 7 7 आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, 6 से जाएगा ना, 6 टाइम्स में। मैं सोच कैसे रहा हूँ कि ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से किया तो 8 4 32, 7 करूंगा तो 7 4 जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 से जाना चाहिए ना, यहाँ पे 6 6, तो 6 6 में क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, कैरी 2, 6 4 जा 24 and 2 26, सही है, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 7 5 2 3 3 राइट, है ना, देखो 6 जा करोगे तो 6 हो जाए 24, बहुत क्लोज हो गया ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स, सिंपल। आ गया बस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल नंबर 2/15 सॉरी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.265 आंसर। ताइए क्लियर है क्या, उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा, किसी भी स्टूडेंट से कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं डाउट से तो आप लिख लें। मेरी सर सर ऐसे 3 नंबर जिसमें वो पहले 2 नंबर सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर का सम तीसरे का स्क्वायर का सम, मतलब सिर्फ तीसरे का स्क्वायर होता है, सर तो 3 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले क्या सर 7th में सिखाया, 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया गया, नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन सर के बर्थडे पे के ओकेजन पे मनाया जाता है, राइट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो सर वो 3 जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं, तो सर 2 2 mm और उनका स्क्वायर,
पहले दो अंक का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर। सर ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैं लिखा देता हूँ एक बार, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ थ्री Pythagorean triplet is a set of three natural numbers which form the sides of a right angle triangle, which form the sides of a पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स राइट व्हिच फॉर्म द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। होता क्या है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है तीन नेचुरल नंबर्स का सेट होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स को फॉर्म करता है। और उसका फॉर्मूला भी है इन जनरल कि लाइक 2m m square minus 1 और m square plus 1। और natural number मतलब वो decimal number भी हो सकते हैं और fraction। decimal natural number मतलब decimal number कैसे हो सकते हैं सर? क्योंकि right angle में fraction मतलब decimal में भी side हो सकते हैं। हो सकते हैं but that वो approximate होगा, then that will not be like Pythagorean triplets नहीं होगा। ये okay. ऐसा बताया जाता है। हाँ, पर ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर ओनली नेचुरल नंबर्स, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर व्हिच शुड m बट दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो m की वैल्यू, m की वैल्यू 2 रखो 3 रखो, देखो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिल जाता है। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल कि अगर इफ m इक्वल टू 2 मान लो। सर जो m रहता है वो बस एक एक ही रहता है ना? हाँ, एक ही रहता है तीनों में। ओके, तो m की वैल्यू 2 रखा तो 2m मतलब 2 into 2 कितना आ गया 4। ठीक है, m square minus 1 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 square minus 1 3 आ गया, और m square plus 1 है तो m की वैल्यू 2 तो 5 आ गया। तो 3 4 5 जो होता है ये क्या है स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो जाता है। ये मान लो 3 4 तो 5। और पाइथागोरस थ्योरम मुझे ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ये क्या? हाँ, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना? हाँ। ओके, कहने का मतलब है कि एक सेट मिल जाएगा। लाइक m की वैल्यू अगर हमने 1 से ज्यादा रखा, m की वैल्यू 2 रखा तो तीनों में 2 रखा तो हमको साइड क्या मिल गया 3 4 5। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट सी होगी। अगर मान लो कि m की वैल्यू आपने 3 रखा, राइट, देखो क्या 2m कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 8 हो जाएगा, और फिर m स्क्वायर प्लस 1 मतलब ओके मतलब ये सर रूल ही है, ये टाइप ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल रूल है। हां, ट्रुथ है, करेक्ट। देखो 6 8 10 हो गया, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लाइक ये चीज पता रहता है ना, इसका बड़ा काम, बहुत यूजफुल है लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, खासकर मतलब दो जो आर एस्पायरिंग फॉर यू नो दिस वन डिफरेंट लेवल्स के जो आरएमओ होता है और ये सब में, तो इसके छोटे छोटे जो इसमें नंबर थ्योरी के जो क्वेश्चन रहते हैं इसी से रिलेटेड रहते हैं बहुत सारी चीजें। अगर ये पता है तो बड़ी मतलब एग्जाम्पल्स में बताऊंगा ऐसे झट से हो जाते हैं। तो 2m आर उस समय क्लिक होता नहीं है, आप पढ़े हो फिर कुछ बच्चे होते हैं 11th तक जाते जाते भूल जाते हैं ये चीज 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 दीज आर वेरी वेरी पावरफुल। तो आप देख भी लोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इक्वल होगा।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2m m square minus 1 और m square plus 1 ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के रूल है कि अगर वो m की वैल्यू 1 से ज्यादा रखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अगर रखा तो पता है प्रॉब्लम क्या होगा कि ये 0 आ जाएगा होगा ही नहीं कि 0 आ जाएगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो हमेशा m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो पाइथागोरियन यू विल गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट है क्लियर है तो बताइए क्लियर है क्लियर है सर मगर सर ये अप्लाई मतलब ये हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं ऐसे जानने के लिए अभी फिलहाल लाइक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि लाइक फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 कुछ इस तरीके से ओके मतलब सर ये कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर हमें ये पता होगा 2m ये m स्क्वायर माइनस हो रहा है मैथ्स मैथ्स ही डिफिकल्ट नहीं है कौन बोलता है मैथ्स डिफिकल्ट है मैथ में पूरी इसके बारे में क्या पूरे में मैथमेटिक्स के बारे में बोल सकते हैं सर मुझे एक डाउट है हाँ बोलो सर आपको मतलब आपने m इज इक्वल टू 3 कैसे लिया 5 भी हो सकता था ना हाँ ना 5 मैंने एक एग्जांपल दिया नेचुरल नंबर कोई भी होनी चाहिए 5 भी ले सकते हैं क्या हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई भी नेचुरल नंबर ओके सर यहाँ पे लिखा है ना कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n शुड बी ग्रेटर देन 1 ठीक है क्लियर है क्या इसको लिख और 11 12 और भी कुछ ट्रिपलेट है ना हाँ आप उसमें वैल्यू रखो ना पता चल जाएगा m की वैल्यू 3 रखा या m की वैल्यू 4 रखो तो सर तो स्मॉलेस्ट m स्क्वायर माइनस 1 है हाँ तो उसे इक्वेट कर देंगे हम बिल्कुल तो m की वैल्यू निकाल लोगे तो बाकी सब तो निकल ही जाएगा है ना सर तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हाँ बट दैट विल बी नेचुरल नंबर ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ सर इसका कुछ प्रूफ है क्या कि वो m 2m होगा m स्क्वायर माइनस वो क्या है वो पैटर्न फाइंड आउट किया गया है पैटर्न फाइंड आउट करके बनाया गया और उससे सेटिस्फाई कर रहा है कुछ चीजें होता है कि हाँ तो बेसिकली कुछ चीजें है कुछ पैटर्न फाइंड आउट करके ही डिराइव किया गया ऐसे हम बोल सकते हैं ओके हाँ इनफैक्ट ये इसीलिए हो रहा है ना कि एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ही है इनफैक्ट अगर आप देखते हो ये देख लेते एक मिनट ये देखो लाइक अगर मैंने ये किया जैसे मान लो एम स्क्वायर प्लस वन है ठीक है एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर करो कितना होगा m raised to 4 plus 1 plus 2 m square बराबर और फिर आप m square minus 1 का whole square plus 2 m का whole square करो देखो देखते हैं इसके equal होता है m raised to 4 plus 1 minus 2 m square plus 4 m raised to 4 बराबर तो ये देखो हमने कुछ गलत किया क्या इसका प्रूफ क्या है जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक तो पैटर्न ही पाइथागोरस थ्योरम ही एक्चुअली देखो मैंने क्या किया एम एस प्लस वन का होल स्क्वायर निकाला ये आया और फिर एम एस स्क्वायर जिसमें देख रहा हूँ प्लस टू तो इसका m raised to 4 plus 1 minus 2 m square plus 4 m square तो कितना हो गया देखो m raised to 4 plus 1 minus 4 m square minus 2 m square plus 2 m square ये दोनों बराबर आया आधी ये देखो आया क्या बराबर ये बताइए आप लोग यस तो फॉर्मूला तो वही हो गया ना कि हाइपोटेनम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है आगे क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा पूरा ये नाइन्थ में है आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नाइन्थ और टेंथ और हमें तो सेवेंथ में सिखाया अलग अलग यहाँ पे आपको सेवेंथ में पाइथागोरस थ्योरम सिखाया पाइथागोरस थ्योरम नहीं उसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ उसके प्रूफ अलग अलग तरीके से ज्योमेट्री से भी है
और उसके पाइथागोरस थ्योरम के टोटल आपको पता है 17 प्रूफ है, 17, देयर आर 17 मेथड्स टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, तो सभी सर यू विल नॉट गो इन दैट। हां सर, तो ये थ्योरम जिसने बनाया उसी ने ये 17 मेथड निकाले और सब सबसे चेक किया कि ये सही है, सही है, और फिर उसने फिर उसने डिक्लेयर किया कि जनरलाइज किया ये भाई। आदि समझ में आ रहा है क्या आपको? विवज हां सर। हां ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम को ही प्रूफ हो रहा है, इसीलिए वेरीफाई हो रहा है पाइथागोर, और उसको फिर जनरलाइज इन्होंने किया है ना। और पहले बोधायन ने इसे निकाला। सॉरी सर, बोधायन नाम का एक आदमी था, उसने ये किया था, फिर किसी और ने इसे। एक तो पहले और... पाइथागोरस थ्योरम जो दिया वो पाइथागोरस साहब ही थे, पाइथागोरस सर तो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उन्हीं के नाम सर। हां सर, उन्होंने वो वाला पहला का उसको सब मशहूर कर दिया। ठीक है, हो गया, कैमिंग हुआ है, ये बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताओ। गो अहेड। नहीं सर, यू कैन गो अहेड। ओके ओके। अब एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा इसके ऊपर। लिखिए फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो सर एक मिनट सर, क्या आप फिर से बता सकते हैं M कैसे फाइंड करना है? क्वेश्चन दे रहा ना, क्वेश्चन के थ्रू भी उसी के तो समझा रहा, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गया। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, फाइंड द पाइथागोरियन, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नंबर, कुछ वन नंबर इज सिक्स, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ वन नंबर इज सिक्स। One member is six. सर क्या मैं पूछ सकता हूँ? सर हाँ बोलो। सर तो M second greatest number divide by two होता है ना M? क्या? सर तो M वो second greatest number divide by two होता है ना? ये कहाँ से, किसने बोल दिया? सर फोर थ्री फोर और फाइव में सुजनी सही करे। सर तो मैं पूछ रहा था कि M वो थ्री फोर और फाइव में सेकंड ग्रेटेस्ट फोर है, तो फोर डिवाइड बाय टू का वैल्यू M है, तो क्या M का वैल्यू सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड बाय टू होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड डिवाइड बाय टू होता है, ऐसा कुछ नहीं, आपने वो पैटर्न निकाला है, बट वैसे नहीं है। सर तो 2m वो सेकंड ग्रेटेस्ट है, m स्क्वायर माइनस 1 ये स्मॉलेस्ट है और m स्क्वायर प्लस 1 ही ग्रेटेस्ट है। वो तो दिख रहा है m स्क्वायर प्लस 1 विल बी द ऑलवेज ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा यहां पे जो दिख रहा है m स्क्वायर माइनस 1 है और सेकंड ग्रेटेस्ट जो है 2m। ठीक है, और फिर से आप क्वेश्चन दिखा सकते हो। हां जी, find the Pythagorean triplet whose one member is 6. So, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल है इसका जो फॉर्म था, find the Pythagorean triplet whose one member is 6, right? तो इसका फॉर्म क्या था कि 2m था और m square minus square minus 1 और m square plus 1। अब 1 member बोले तो आप किसको लोगे ये बताओ। सर मैं आता था 2m को लेता। क्यों? सर मैंने, सर क्या मैं बोल सकता हूँ? क्योंकि सर मतलब अगर हम assume करें तो ऐसा decimal number तो है, मगर natural number ऐसा कोई भी नहीं है जिसका square minus 1 6 हो या फिर जिसका square plus 1 6 होता है, मगर 2n तो m is equal to 3, मैंने ऐसा ये तो किया और फिर उसके बाद मैंने calculation शुरू किया। मैंने भी ऐसा ही किया। और किसी का कुछ question, और किसी का इसका reason कि क्यों हम 2m को ही क्यों लेंगे 1 number?
Why we can't take m square minus 1 and m square plus 1? सर यही एक रीजन है। और किसी का अदर कोई रीजन है क्या? नो सर। या ओके। इज देयर एनी अदर रीजन अदर देन दिस? सर हमें पता नहीं, लेकिन हमें लगता है, सर मुझे लगता है नहीं है। मैंने ये कहाँ बोला कि है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बाकी। अगर किसी का आंसर कभी कभी होता है कि रॉन्ग मेथड राइट आंसर, दिमाग में कुछ अलग चलते रहते हैं आंसर्स आगे। दैट्स व्हाट आई हैव वांटेड टू नो। और किसी के पास रीजन सबने यही दिया था जिन्होंने आंसर भेजा था? दूसरा चीज ये भी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं जो सुनना चाहता था वो किसी ने नहीं बताया। जो m है, m तो नेचुरल नंबर है ना, राइट? और m की वैल्यू जब रखोगे, m square minus 1 equal to 6 रखा तो m की वैल्यू तो वो फिर डेसिमल में आएगा, फिर वो नेचुरल नंबर कहाँ से रहेगा? और m square plus 1 अगर रखा तो is equal to 6 के, यहाँ भी m की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। तो m की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर सिर्फ यहीं से आ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो रीजन ये था कि ट्रिपलेट्स इज वन मेंबर इज 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मेंबर तो 2m इक्वल टू 6 आ गया, m की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है? तो 2m की वैल्यू एक तो 6 है, फिर m square minus 1 मतलब 3 का square minus 1 मतलब 8, और m square plus 1, 3 square plus 1 मतलब 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होगा वो 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। हाँ मनु मैं बताओ। और वो 3, 4 और 5 का डबल है। हाँ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई नंबर होगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक ट्रिपलेट का मेंबर ऐसा नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल भी है और m स्क्वायर माइनस 1 को भी जाता है, तो वो दोनों को जाता है, तो किसको या किसका सही है वो नहीं, तो कैसे करेंगे? जरा फिर से बोलो, मैं समझा नहीं आपको। सर अगर एक मेंबर होगा कि सर अगर एक मेंबर 16 सर सर सॉरी 48 होगा सर, तो वो m square plus 1 भी है और 2m भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा मनो में जो आपको उससे छोके। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 48 में है क्या, वो एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। वो आता है क्या 48 अगर तुम रख रहे हो, तुम एक बार चेक कर लो ना। 48 मान लो यहाँ पे तो नहीं आएगा, 48 यहाँ पे रखोगे तो 48 डेसिमल में आएगा, यहाँ पे आपको है एक तो सर m स्क्वायर प्लस 1 होगा सर 7, m अगर 7 होगा सर तो सॉरी सर m स्क्वायर माइनस 1 वहां पे होगा, तो ठीक है ना, देखते हैं होता है कि नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे वो ऐसे ही कुछ भी नहीं देंगे, एक्चुअली वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो रहा होगा तब देंगे। हम क्या करेंगे, मैं रहता तो क्या करता, इसको 48 रखता, m की वैल्यू 7 आती यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे ये तो कंट्राडिक्ट करेगा, फिर m स्क्वायर 2m रखा अगर तुमने तो 2 इंटू 7 रखा, सॉरी तो अगर ऐसा नंबर होगा जिसमें 2m भी हो सकता है और m स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, तो और उन दोनों का जो भी m का सुनो लिसन, और एक क्वेश्चन देता हूं, और एक क्वेश्चन वो इस तरीके से देंगे कि ताकि आप फाइंड आउट करो, कभी ऐसा कभी भी नहीं देंगे कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है कि दोनों हम किसको या तो मेंशन करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट है या सबसे लार्जेस्ट है, ऐसा कुछ दे विल मेंशन। समझ में आ रहा है? ठीक है क्या सर? तो कभी भी आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं हो सकते ना? सॉरी सर, आइसोसेलस के आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल के कभी पाइथागोरियन
रिप्लेट नहीं हो सकते क्योंकि वो सभी वाले नंबर होल नंबर नहीं होंगे। ओके, फिर क्या होगा सर? सर मेरा मतलब वो अगर ऐसा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज का दोनों तो दोनों साइड इक्वल है तो उसका टू टाइम्स लिसे ये फॉर्मूला पहली बार मैं बता दू मनो में, ये जो आपने 2m(mn²-1m²+1) जो लिखा है ये सिर्फ m की वैल्यू जब नेचुरल नंबर हो तो ही वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है सर, तो मैं बोल रहा था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो सकते क्योंकि वो इनको मैच नहीं करेंगे सर। मतलब बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, सही बोल रहे हो आप। और कुछ? करेक्ट है, आप सही बोल रहे हो। यू वांट टू ऐड समथिंग मोर हियर? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। कहाँ गया मनु, में है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? हाँ सर, हाँ मुझे सुनाई दिया था, आपने पूछा और कुछ बोलना है। हाँ, पर मुझे कुछ और बोलना नहीं था इसलिए। हाँ, आप सेटिस्फाइड है? आर यू सेटिस्फाइड? हाँ सर। ओके फाइन, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे ये बताइए। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क? किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। फाइंड द पाइथागोरियन, find the Pythagorean triplet, the smallest number is 3, which is smallest member, sorry. Which is smallest member is 3, bataiye aap. Find the Pythagorean triplet, so which the smallest number is 3. सही है श्री महाराज। हाँ जी बताइए। सर सही है क्या? हाँ सही। सर सर जब स्मॉलेस्ट नंबर दिया होता है तो इधर वो 2m होगा या m²-1 होगा, उसीलिए तो दिया है मैंने क्वेश्चन। सोचो सोचो। हाँ सर मुझे पता है कैसे करना, मैं ऐसे ही कंफर्म कर रहा था। अच्छा सर सही है मेरा? हाँ हाँ सृजनी सही है, वेदांत सही है। मनु में सही है, तनिष सही है। तो बड़ा सर बहुत आसान होता है। आसान है, सिंपल सी बात है। जहां पे m की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है वो स्मॉलेस्ट, देखो 2m इक्वल टू आप 3 रख रहे हो, m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? ये आ रही नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? तो ये तो होने से रहा राइट,
एम की वैल्यू अगर तुमने यहाँ पे रखा है, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए स्मॉलेस्ट, अगर ये तो स्मॉलेस्ट होगा नहीं है ना, सर स्मॉलेस्ट इधर 2m होगा या m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 होगा, अगर ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 2m स्क्वायर माइनस 1, हां अगर यहां पे 2m इक्वल टू 3 रखते हो तो m की वैल्यू फ्रैक्शन 1/5, सॉरी 1/5 नहीं है, तो यहीं पे पॉसिबल है कि वो m की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए है ना, सॉरी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, राइट। तो यहां पे आप क्या करोगे कि स्मॉलेस्ट जो मेंबर होगा वो 3 है, मतलब m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, m square equal to 4, और m equal to यहाँ पे actually plus minus 2 होता है, but because minus 2 possible यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि sides can't be negative, right? ठीक है, तो m की जो value जो यहाँ पे होगी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, m की value 2 आ गया यहाँ पे, 2m, m square minus 1 और m square plus 1, so 2 जा कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 5/5, तो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ट्रिपलेट्स जो होगा तो कितना आ जाएगा 3, 4, 5 आ जाएगा, ठीक है। थ्री फोर फाइव जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएगा वो 3, 4, 5 है, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज देयर एनी मोर डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट्स, बताओ बताओ, और किसी को कुछ डाउट्स है? नहीं सर। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। सर एक सेकंड। ओके ओके, the question is find the list number which must be subtracted from 18315 to make it a perfect square, also find the square, okay, 18315 se aise kitna sabse kam se kam subtract kare taki wo perfect square bane, aur jo bhi perfect square ban raha hai uska aapko square root nikalna hai, dekhiye yahan pe division method laga lenge 18315, pairing kar lete hain, theek hai, पेयरिंग किया यहाँ पे, फिर 1 1 जा 1 आ गया, 8 3 बन गया, 1 1 2 राइट, 4 टाइम्स से तो ज्यादा हो जाएगा है ना, तो 3 पे ही लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 ठीक है, 1 5 2 है राइट, यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, तो सर 5 देख लेते हैं, और मैंने 83 की जगह गलती से 31 नीचे ले लिया, तनिष्क बढ़िया यार, बढ़िया करेक्ट है, तो ये गलती हो रही है ना, नहीं होनी चाहिए ना मनो में, तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, ये देखिए, सो 5 5 का कितना 25, 6 5 जा 32, 5 2 जा 10 and 13 हो गया, राइट, सो अब ये जो 190 एक्स्ट्रा हो रहा है, सोचो ना कितना बढ़िया होता, सर, आप, हाँ जी, वो आपने गलत लिखा है, कहाँ पे सर, 1415 माइनस 1325 90 रहता है, हाँ सर 90 रहता है, अच्छा सॉरी सॉरी, अगर वो गलती से हो गया ना, गलती हो जाती है, क्या करेंगे, जान मुझे गलत मिलेगा, अगर कभी कभी जान मुझे गलती लिख देता हूँ कि देखता हूँ आप लोगों का ध्यान है कि नहीं, ठीक है, सो ये 90 हो गया राइट, तो ये जो है इतना एक्स्ट्रा आ रहा है राइट, 90 जो है कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ फिल करो, वो फिल करो, रट्टा मारने वाला चीज मुझे पसंद नहीं है, जस्ट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फिल इट, कह रहे महसूस करो, कह रहे सच में ऐसा हो रहा है, इतना एक्स्ट्रा बच गया ना, अगर इतना सोचो इसमें से सेपरेट कर दिया होता तो 1325 हो जाता, नीचे 0 आ जाता, राइट, हाँ या ना, हाँ सर, तो बहुत सिंपल सी बात है कि लिस्ट नंबर क्या सेपरेट करे, तो 90
right? So required list number to be subtracted is 90. और परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो 18315 माइनस 90 कर लो, माइनस 90 तो 5 सही है क्या? 18315 में से अगर हमने 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 5 परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? यही होगा ना, एक्स्ट्रा बच जा रहा है, बट परफेक्ट स्क्वायर तो यही होगा इसका, मतलब स्क्वायर रूट जो होगा यही हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गया, और इसका स्क्वायर रूट जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18225 विल बी 135। आंसर। अब बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स है क्या, ये बताओ। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, इसको जस्ट सेव कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था। ठीक है, सो कैन वी गो अहेड? वो वाला वो क्वेश्चन दिखा सकते हो 18315 का? हाँ दिखा रहा हूँ। Yes, ये वाली क्वेश्चन। Now find the least number of four digits, which is a perfect square. Least number of four digits, which is a perfect square. So find the least number of four digits, which is a perfect square. ठीक है। तो हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे कि पहले least number of four digits हम क्या होता है ये लिखते हैं। Least number of ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है नंदिनी? सॉरी आसमी, सही आपका? नहीं नंदिनी। सो लिस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स इज 1000। लेकिन 1000 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट? नंदिनी कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रही हो? सर वही जो आप अभी सॉल्व कर रहे हो। नहीं नहीं वो नहीं आंसर, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब लिसन, 1000 तो है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका लॉग डिवीजन से हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 3 9 1 00 3 3 6 1 1 61 9 39। आदि कौन से क्वेश्चन? ओके ओके, वेरी गुड तनीश, आदि सही है, करेक्ट करेक्ट। सर मैंने आपको लिस्ट नंबर ही भेजा था। नहीं वो गलत है, लिस्ट नंबर वो गलत है। फोर डिजिट्स का किधर है? इसमें सब्ट्रैक्ट की बात नहीं है ना नंदिनी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल। सो अब देखिए यहाँ पे कि 31 है, अब जरा ध्यान देखो। अब हमको फोर डिजिट्स का चाहिए तो 39 एक्स्ट्रा, और इसको सब्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा? हाँ सर समझा, थ्री डिजिट हो गया। हाँ हो गया। सिंपल सी बात है कि 31 का अब ये एक्स्ट्रा बच रहा है, ये 39 जो है एक्स्ट्रा बच रहा है,
तो कॉमन सेंस अगर अपना अगर हम लगाते हैं तो ये हमको पता चलता है कि जो 31 का जो होल स्क्वायर है वो 1000 से छोटा है, हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। और अब यू आर गेटिंग कि 31 जो आ रहा है, 31 और ये 39 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1000 से छोटा है, और 1000 से छोटा होगा मतलब 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का तो होगा नहीं, यानी 4 डिजिट का जस्ट 31 के बाद होगा, that will be 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1000 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये 4 डिजिट्स का होगा। तो हमको ये पता चला कि लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज कितना, 32 का स्क्वायर हो जाता है ना, 32 का स्क्वायर। सो लीस्ट नंबर ऑफ four digits which is a perfect square, least number of four digits which is a sir, तो आपने ये किया है तो ये right में लिखा है, अगर हम ऐसे करें तो वो अपने division वाला लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं, मानी ये वाला? हाँ सर, बिल्कुल जरूरत है सर। तो इससे हम हमें उस तो हम 1000 minus 39 करके उसका square root निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वही आएगा ना, 31 का ही स्क्वायर आएगा डियर, 1000 में से 39 करोगे तो वो तो 1000 का ही स्क्वायर, सॉरी 1 मतलब 31 का स्क्वायर आएगा, वो तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना करके, हमको वो 3 डिजिट्स का आ जाएगा। वी नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? ऑब्वियसली बात है 31 नहीं हुआ तो 32 होगा, सो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट, हां सुजनी सही है, वेरी गुड। So least number of 4 digits which is a perfect square will be obvious 32 का square. 32 का square क्या होता है? 1024 होता है. So this was the solution of this question. Please make a note of it and try to solve the next question which I had given to all of you. Please. Find the least 6-digit number which is a perfect square, right? So least 6-digit number nikalna hai jo perfect square hai, correct? So sabse pehle baat hum waise hi rakhenge ki least 6-digit number. So smallest 6-digit number ya least 6-digit number kya hota hai? Least 6-digit number जो होगा वो क्या होगा, एक पे 5 0, हाँ या ना? और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं? हाँ सर, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको क्या क्या करेंगे, हम राउंड डिवीजन से इसका हम स्क्वायर रूट पर निकाल कर देखते हैं क्या होता है। तो ये जाएगा 3 3 9 100336 11 9 3 00 62, ठीक है। कितने टाइम्स में जाएगा, 6 6 36 अगर किया मान लो, 62 तो ज्यादा होगा राइट, नहीं ठीक हो रहा है, 7 से करेंगे तो ज्यादा होगा, तो 6 से कर लेते हैं, 6 6 6 36 6 carry 3 6 2 12 and 3 15 carry 1 6 6 36 7 37। सर मैंने आपको इसके अगले वाले का आंसर, सही है श्रीराम, सही है, ओके सर, थैंक यू। सुजनी सही है, वेरी गुड। 18 minus 6 4 9 minus 5 4 1। अब देखो 6 digits का नंबर निकालना है हमको, है ना? पर तो 318 का स्क्वायर 6 digit का होगा। क्या? सर मुझे लगता है कि 317 के बजाय 318 का लेना चाहिए।
हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या निकालना है बेसिकली कि ये ना हमको छह डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो देखो सेम वैसे 144 को माइनस करोगे तो 5 डिजिट से कम हो जाएगा, मतलब 316 का जो स्क्वायर होगा वो कम होगा इससे, है ना राइट। तो हमको इससे ज्यादा चाहिए, मतलब 317 ना इसका स्क्वायर होगा इससे बड़ा राइट। एंड अगर आप हमसे लिस्ट 6 डिजिट का नंबर पूछा जा रहा है राइट, तो जस्ट वांट टू नो, हाँ शिरन सही है, जस्ट वांट टू नो प्लीज हाउ मेनी प्लांट्स डज द गार्डनर हैव इन टोटल। वो तो बताया है ना क्वेश्चन में डियर, एक मिनट बता देता हूँ आपको, ये है टोटल 3984 मनो में 3984। अच्छा एवरीवन पे डाला है क्या उन्होंने, ठीक है तो यही हो गया। फिर इसका हमको स्क्वायर चाहिए, तो 317 पे अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 317 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100489 है ना। लिस्ट जो 6 डिजिट नंबर होगा विच इज परफेक्ट स्क्वायर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर विल बी 317 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 100489 is a correct answer of this question. समझ में आया क्या सारे बच्चों को? Did everyone understand? Hello guys, hope you are able to get it. Okay. Yes, sir. इसको लिख ले। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो लास्ट क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर देता हूँ, जल्दी से लिख लो। आई होप सबने लिख लिया है क्या? हाँ सर लिख लिया। मनु ने सही है यार, सही है। और क्या मेरा सही है? हाँ जी सही है, सही है करेक्ट। अब जो है ये जो क्वेश्चन है, एक गार्डनर है ठीक है, प्लांट्स को अरेंज करते हैं रो में और एक स्क्वायर बनाना है, तो अरे स्क्वायर बनाना है मतलब नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा इनडायरेक्टली, ऐसा करने पे 15 प्लांट्स उसके बच जाते हैं। टोटल हमारा प्लांट 3984 है, तो हर एक रो में कितने होंगे, आहा क्या करेंगे 3984 है। वैसे क्वेश्चन को पता कैसे करेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन है राइट? एग्जाम अभी तो आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो है 3984 है। मैं ये बता रहा था हाउ डू वी कम टू नो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर, अभी तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं तो पता चला रहे उसी से होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है इस क्वेश्चन के लिए, सिंपल सी बात है, रोज है और एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर में और बहुत आसान था ये, स्क्वायर में नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम्स जो इक्वल होते हैं, हम इसको क्या करेंगे कि पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। अच्छा मुझे क्या पता चला कि 6 जा 36 जाएगा, 3 बचेगा 84 बच जाएगा। हां सर, तो इसीलिए नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये 22 बच जाएगा, सो 22 जा 4 22 जा 62 सर 1 जा 2 राइट 0 4। अब जो है इतना, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि 15 प्लांट्स आर क्या है लेफ्ट आउट राइट। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे एक चीज,
बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि 3984 है। अब जो है 15 प्लांट्स बच जाते हैं, 3984 माइनस 15। हाँ, ये नहीं करके आपको क्या करना चाहिए, मतलब इतना पता चला कि वो स्क्वायर बन रहा है तो मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो इतना भी करने का एक्चुअली जरूरत नहीं था। मुझे लगता है 15 माइनस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल, सर मैंने तो स्टार्टिंग में 15 निकाल लिया था। हाँ, तो वैसे ही और फिर आप सर फिर मैंने 3969 का स्क्वायर रूट निकाला। अरे लॉजिकल है कि देखो ये है तो ये माइनस करने पे तो उतना तो नहीं होगा, हम एक काम कर सकते हैं कि 15 यहाँ पे उसी क्वेश्चन में दे दिया गया, तो बेहतर है कि 15 प्लांट्स को पहले ही घटा दे, सेपरेट कर दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आप बड़े आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये 9639 है ना, ये डिफरेंट रोज में है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर निकाल दो, ये छोड़ दो आप, ठीक है। ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि 15 प्लांट्स आर लेफ्ट, तो बेहतर होगा इसी का डायरेक्टली आप स्क्वायर निकाल दो और ये ही आंसर हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। तो 63 है right? यानी हर एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, 63 होंगे। सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो आर 63, राइट? नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो आर 63 बेसिकली, ठीक है। ये चीजें अब 63 का तो मैं स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा, 3969 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप सेपरेट करके ऐसे ही निकाल, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल बी 63। बताइए मनो मैं क्या बोल रहा था, यस सर मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये सेकंड सर मैंने अभी तक क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो वो उसमें लिखा है he finds that in, उसके बाद वो pairing है, he finds that in doing so 15 plants are left out, 15 plants are left out if the total number of plants are 3984, find the number of plants in each row. तो और एक तरीका होगा क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और वो नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि 15 प्लांट बच गए। यस Is it done for everyone? जल्दी बताओ हो गया क्या? तो इस तरीके से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो चैप्टर फिनिश हो चुका है, आगे बढ़ेंगे अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स की तरफ, ठीक है।